हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग खुराल पर। मैं हूं आपका दोस्त परमेश्वर सिंह और आज हम यहां पर देखने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर पार्ट वन। दोस्तों, यहां पर इसको हम ट्रिपल सी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कई पार्ट्स में कवर करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। दोस्तों, लिब्रे ऑफिस एक ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर है। यह ओपन सोर्स है, अर्थात ये फ्री है। इसको आप लिब्रे ऑफिस डॉट ओ आर जी पर जा करके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंतर्गत कई प्रोग्राम आते हैं, जैसे कि राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस है, ड्रॉ है, मैथ है और बेस है, जिसमें से हम राइटर, कैल्क और इम्प्रेस को ट्रिपल सी के सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। दोस्तों, राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, जिस पर आप बहुत ही आसानी से लेटर, रिज्यूम, बेसिक फॉर्म्स या अन्य तरह के डॉक्यूमेंट्स को टाइप करके आप बना सकते हैं। राइटर के फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम अनटाइटल्ड वन है और इसका एक्सटेंशन नाम है डॉट ओ डी टी, और इसके फॉन्ट का नाम है लिबरेशन सेरिफ, और इसकी डिफ़ॉल्ट जो साइज़ है वो 12 है, और इसके टेम्पलेट का एक्सटेंशन नेम डॉट ओ टी टी होता है। इसके मेनू बार्स इस तरह से आप नीचे देख सकते हैं, और अब हम इसको आगे प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। दोस्तों, यह लिब्रे ऑफिस राइटर है, जिसमें से सबसे ऊपर जो है वह है टाइटल बार, जहां पर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा हुआ मिल रहा है, यानी उसका नाम है प्रोग्राम का, और अनटाइटल्ड वन जो फाइल का डिफॉल्ट नाम है वह लिखा हुआ है, और राइट साइड में आपको यहाँ पे मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन आपको मिल जाएंगे। ये है आपका मेनू बार, उसके नीचे है स्टैंडर्ड टूल बार, और उसके नीचे है फॉर्मेटिंग बार, और इसे कहते हैं साइड बार। ये आपका स्क्रॉल बार है, और नीचे फाइंड बार है, और उसके नीचे है आपका स्टेटस बार। दोस्तों, ये है ट्रिपल सी का सिलेबस, जिसमें आपको हम इंट्रोडक्शन बता दिया हमने, वर्ड प्रोसेसिंग के बेसिक्स जो भी हैं वो आपको हम बताने वाले हैं, जैसे ओपनिंग करना, टाइटल बार, मेनू बार कहाँ है, टूल बार्स कहाँ है, साइड बार क्या होता है, और डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना, इस तरह के जो ऑप्शंस हैं उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसमें हम एक लाइन लिख दिए हुए हैं, और अब इसे हम सेव करते हैं। सेव करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या फाइल मेनू में जा करके यहाँ से सेव ऑप्शन ले सकते हैं, या आप सिंपली कंट्रोल प्लस एस दबा सकते हैं, और यहाँ पर नाम लिखने के लिए आ रहा है, यहाँ पे आप कुछ भी अपनी फाइल का नाम लिख करके उसे आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए और सेव हो जाएगा। इस तरह से फाइल जो है कि आपकी सेव हो जाएगी, और इसे अब हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिया हमने, और फिर से हम ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को, और हमें अपनी फाइल ओपन करनी है जो हमने अभी सेव किया था। उस फाइल का नाम हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, ये देखिए आ गया, और यहाँ पर ओपन क्लिक कर देते हैं, और इस तरह से फाइल ओपन हो गई है। अगर आपको न्यू फाइल लेना है तो यहाँ पर कंट्रोल या ना प्रेस कर दीजिए, या फिर यहाँ से जा करके न्यू डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ले सकते हैं। यदि आप इस फाइल को पीडीएफ के रूप में सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं, या फिर मेनू में जा करके इसको एक्सपोर्ट एज ऑप्शन जाकर यहाँ पर पीडीएफ आप कर सकते हैं, या फिर ईपीयूवी एक फॉर्मेट होता है जो कि ई बुक के लिए होता है, उसके फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल हम एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल से रिलेटेड जो कि ऑप्शन मिलेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अपनी पीडीएफ फाइल का नाम लिख करके सेव कर देना है। हमने कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दिया है जिससे अलग रहे हो, और यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी जो फाइल है वो पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो गई है। उसे देखने के लिए आप जहाँ पर आप फाइल सेव किए हैं वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर हैं, यहाँ पे माई फाइल्स पीडीएफ आपका है हमारा, और इसे अब हम ओपन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यह एक पीडीएफ फाइल है जो कि हमने अभी रेडी की है। तो यह इसका बहुत ही बेहतरीन फीचर है। इस मैटर को हम सेलेक्ट करते हैं माउस का बटन दबाकर, इसे आप ड्रैग करिए और इस तरह से सेलेक्ट हो गया है। अब इसे हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या फिर एडिट मेन्यू में जाके कॉपी कर सकते हैं, या फिर हम कंट्रोल सी प्रेस कर सकते हैं, इससे कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद आपको पेस्ट करना होता है, तो आप कंट्रोल भी दबा सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर एडिट मेन्यू में जाकर इसे आप पेस्ट कर सकते हैं। और पैराग्राफ चेंज करने के लिए आप इंटर दबा दीजिए, इस तरह से पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम कई पैराग्राफ जो है कि रेडी कर रहे हैं, जिससे हम आपके ऑप्शंस को आपको हम समझा सकें। तो इस तरह से कई पैराग्राफ रेडी हो। अब हम देखते हैं ऑप्शन प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं ये प्रिंट प्रीव्यू है। प्रिंट प्रीव्यू में आपका डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा प्रिंट होने वाला होता है। तो प्रिंट करने से पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना होता है। अब देखते हैं प्रिंट ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपके प्रिंटर कनेक्टेड रहेंगे उस प्रिंटर्स का यहाँ पे नाम आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर कितने पेजेस आपको प्रिंट करने हैं, ऑल पेजेस या कुछ स्पेसिफिक पेजेस, तो यहाँ पर पेजेस का नाम डाल सकते हैं, पेज वन, पेज टू, पेज थ्री डाल सकते हैं, या फिर आपने जो सिलेक्शन किया हुआ है उसे आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पर उस ऑप्शन को भी आप टिक कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले सेलेक्ट करना होगा। कितनी कॉपियाँ प्रिंट करने वाले हैं वो यहाँ से आपको देख लेना है। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करके आप प्रिंटर की प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है, या कलर प्रिंटआउट निकालना है, या अन्य तरह की सेटिंग। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको पेज का बैकग्राउंड निकालना है कि नहीं, इमेज या ग्राफिक्स को प्रिंट आउट निकालना है कि नहीं, हिडन टेक्स्ट या टेक्स्ट प्लेस होल्डर्स, तो इस तरह के यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर आप पेज लेआउट ले सकते हैं कि आपका पेज लेआउट किस तरह का होगा, यानी एक पेज पर आप कई पेज प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है और आपका प्रिंट जो कि जो भी प्रिंटर आपका कनेक्टेड रहेगा उस प्रिंटर से प्रिंट आउट निकल जाएगा। देखते हैं कुछ और बेसिक कमांड्स, जैसे आपसे अगर कुछ मैटर डिलीट हो जाता है अचानक से तो आप यहाँ पर कंट्रोल जेड जो है अंडू जो ऑप्शन है, या फिर यहाँ जा करके आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल जेड बटन कीबोर्ड से आप प्रेस कर सकते हैं, तो इससे जो भी आपका मैटर डिलीट हुआ था वापस आपको मिल जाएगा। रीडू यानी आपको फिर से गायब करना है उस मैटर को, तो यहाँ से कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल वाई प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप एडिट मेनू में जाकर के यहाँ से ऑप्शन ले सकते हैं। यदि आपको फॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ पर जाकर के फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स का लिस्ट है, आपको जो भी बेहतर फॉन्ट लगे आपके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद है आपका फॉन्ट की साइज़, यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसकी मिनिमम जो साइज़ है वो लिस्ट में 6 दिया हुआ है और मैक्सिमम 96 दिया हुआ है। ये ट्रिपल सी में क्वेश्चन आते हैं, आपको इस तरह से इसको लर्न करके रखना है। किसी भी वर्ड को या फिर किसी सेंटेंस को आपको बोल्ड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अगर उसे इटैलिक करना है तो उसे आप यहाँ से कर सकते हैं, और अगर उसमें से किसी को अंडरलाइन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू यानी आपको बीच से कुछ कटा हुआ है आपको चाहिए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इनको हटाने के लिए दोबारा इसको सेलेक्ट करना होता है और फिर से आप बोल्ड पर क्लिक कर देंगे तो ये जो है आपका बोल्ड है वो हट जाएगा। दोस्तों ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, यानी यदि आपको फार्मूला लिखना है, जैसे आपको ए स्क्वायर लिखना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये लिखेंगे, और आपको स्क्वायर लगाना है तो आप टू को सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट पी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट पी है, कर सकते हैं।
फिर से दोबारा से आप इस पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि नॉर्मल हो जाए, और फिर आप प्लस बी स्क्वायर करना है तो फिर आप बी लिखिए, और अगर आपको स्क्वायर लगाना है तो इस पर क्लिक करके आप स्क्वायर लगा सकते हैं, फिर से क्लिक कर दीजिए नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं। यदि आपको केमिस्ट्री के फॉर्मूला लिखना है जैसे कि K2 लिखना है तो 2 को आपको नीचे करना है तो आप इस पर क्लिक करके लिख दीजिए, आप फिर से क्लिक कर दीजिए नॉर्मल हो जाएगा। यदि आपको लिख करके फिर नीचे करना है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट बी दबा दीजिए, तो इस तरह से भी ये हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमने इस पर फॉर्मेटिंग की है, बोल्ड की है, अंडरलाइन की है, तो वो सारे फॉर्मेट जो है कि इसमें से आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से क्लियर हो गया और बिल्कुल पहले ऐसा हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके कलर को चेंज करना, यहाँ पर कई प्रकार के कलर्स दिए हुए हैं तो जो भी आपको लेना है यहाँ पर ले सकते हैं। और ये है हाईलाइटर, किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को हाईलाइट करना है तो आप इस हाईलाइटर से इसे यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।